मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप एक उदाहरण लिए हैं यहाँ पर WAP-4 जो रेड कलर का इंजन है उसके आगे जरूर देखे होंगे WAP-4 लिखा रहेगा। इसका मीनिंग हम बताते हैं। W मतलब होता है ये वाइड वाइड गेज पर चलेगी। गेज क्या होता है हम बताते हैं आगे। वाइड गेज ये दो पटरी है, इस बीच के गैपिंग को ही गेज कहते हैं। इसका डिस्टेंस 1676 mm होता है। कितना? 1676 mm। अगर हम फीट में नापेंगे तो 5 फीट 6 इंच होगा। कितना? 5 फीट 6 इंच। W मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब ए को लेते हैं। ए मतलब होता है ये एसी करंट से चलेगी, डीसी से नहीं, एसी से चलेगी। किससे? एसी से। और पी मतलब होता है पैसेंजर कोच को खींचेगी। किसको? पैसेंजर कोच को, पैसेंजर को। और फोर जो होता है वो पीढ़ी को दर्शाता है। किसको? पीढ़ी को, पीढ़ी को दर्शाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि WAG-9 जो ग्रीन कलर का इंजन होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का देखिएगा। W से होता है वाइड गेज से चलेगी, ए से एसी करंट से चलेगी, जी मतलब होता है ये गुड्स के लिए लाया जाता है। किसके लिए? गुड्स के लिए, मालगाड़ी हो गया, मालगाड़ी के यूज में लाया जाता है। और 9 होता है जो पीढ़ी को दर्शाता है। और जैसे कि अगर आप पी देखिएगा तो पैसेंजर के काम में लाया जाएगा, इसको ये तो आपको पता है। और एस रहेगा तो संटिंग का काम में आता है। और एम रहेगा तो मिक्स्ड गुड्स के लिए भी और पैसेंजर के लिए दोनों के यूज में लाया जाएगा। आप समझ गए होंगे। WAG-9 W एक और एग्जांपल लेते हैं। WDM-4 तो W मतलब वाइट गेट पर चलेगी, डी से डीजल को डिनोट करता है। किसको? डीजल, डीजल से चलेगी, इलेक्ट्रिक से नहीं। और एम तो मिक्स्ड गुड्स का भी काम में लाया जाता है और इलेक्ट्रिक में पैसेंजर में भी काम लाया जाता है। और फोर मतलब जो पीढ़ी को दर्शाता है। और आप एक इंजन और देखे होंगे WDG-4, देखा होंगे, नहीं देखा होंगे देख लीजिएगा। W से वाइड गेज पर चलेगी, D से डीजल से चलेगी, इससे डीजल से, इलेक्ट्रिक से नहीं। और G मतलब होता है ये गुड्स के लिए काम में लाया जाता है। रेलवे में पहले जो लोको सप्लाई किया जाता था प्रोडक्शन, वो एल्कोस किया जाता था। किसके? किसके थ्रू? तो एल्को से। एल्को हम बता देते हैं क्या है। एल्को क्या? एल्को, एल्को का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लोकोमोटिव कंपनी। जो पूरा धुआं स्मोक करता था इसको शायद बंद कर दिया होगा। अब यूज में आ रहा है EMD, इलेक्ट्रिक मोटिव डिवीजन। इसका ही यूज हो रहा है। अब हम माइलेज का बात करते हैं। एल्को का माइलेज, एल्को का माइलेज 1 लीटर ऑयल में, 1 लीटर ऑयल में मिनिमम ही 300 मीटर जा सकता है। कितना? 300 मीटर। अगर हम EMD का बात करें, EMD माइलेज एक ऑयल, 1 लीटर ऑयल में ये करीबन 400 मीटर जा सकता है। इसको शायद बंद कर दिया होगा, एल्को को शायद बंद कर दिया होगा। आप ज़्यादा नहीं